नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां दिल्ली हिंसा को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा की जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसमें दोषियों को बख्शा ना जाए और उन्हें कठोरतम कार्रवाई करते हुए कठोर सजा दी जाए। आप देख रहे हैं मऊ से अमन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किस तरह का अस्थिर से बैठो लोग, क्या नाम है भाई? मैं बसंत कुमार हूँ, भाकपा माले जिला कमेटी का जिला सचिव हूँ। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये दिल्ली में जो दंगा फसाद हुआ है पिछले 3 दिनों से लगातार, उसी को लेकर आज हम लोग पूरे देश के हर जिलों में जाने को प्रदर्शन करके हम लोग एक मांग पत्र अपना दे रहे हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, पिछले दिनों जो अमित शाह ने क्रोनोलॉजी जो समझाने की कोशिश किया था देश को कि एक क्रोनोलॉजी है, उसकी क्रोनोलॉजी को आप लोग समझिए कि जब वो कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और उनके तुरंत बयान के बाद जेएनयू पर हमला होता है, और जब अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, मारे सालों को, अब तुरंत देखिए शाहीन बाग में बंदूक लेकर लहराया जाता है और वहाँ फायरिंग की जाती है। और आप फिर इसको देखिए कि जब कपिल मिश्रा 3 दिन पहले कैसे कहते हैं डीएसपी के सामने कि यह जो दंगा जो शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, डीसीपी को कह रहे हैं कि आप इनको आज शाम तक हटा दीजिए, नहीं तो ट्रंप के जाने के बाद, ट्रंप जब तक है तब तक हम लोग चुप हैं और ट्रंप के जाने के बाद ही हम लोग सबक सिखा देंगे। और उसी दिन रात से भारी पैमाने पर उनके लोगों ने दंगा फसाद किया, यहाँ तक कि ट्रकों में लाद लाद कर ईंटे पत्थर लाए गए और लगभग 3 दिन लगातार पूरे दिल्ली में ये दंगा का नंगा नाच किया गया और प्रशासन चुपचाप बैठा देखता रहा। तो क्या आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसी राजधानी में 3 दिन तक कोई भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है? तो क्या आप मानते हैं कि जब भाजपा इस तरह की बातें करती है तब बवाल होता है? एकदम निश्चित, वही क्रोनोलॉजी में बता रहा था। कमी शाह जिस क्रोनोलॉजी की बात करते हैं उस क्रोनोलॉजी को आप लोग भी पकड़िए कि जब वो जो बात कहते हैं उसके पीछे घटनाएं रहती हैं। अभी किस लिए आप लोग आए? हम लोग ये मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय के नाम देने आए हैं कि दिल्ली की घटनाओं पे राष्ट्रपति महोदय तुरंत संज्ञान लें और एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम की निगरानी में पूरी घटनाओं की जांच हो और तुरंत कपिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे उनकी पूरी भूमिका साफ दिखती है। और जो भी वहाँ जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर से दिल्ली पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और तमाम तरह के फुटेज आ रहे हैं, आप लोग के पास ही फुटेज आए होंगे, उसमें उन लोगों की कार्रवाइयाँ दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस की निगरानी से हटाकर पूरे दिल्ली के जो दंगाग्रस्त इलाके हैं सेना के हवाले करके उसकी निगरानी किया जाए, ये हम लोग की विशेष मांग है। आप कैसा पत्र है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा जिला शाखा मऊ के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में उनके द्वारा 4 मुख्य बातें रखी गई हैं। कार्रवाई महामहिम के कार्यालय में पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।